हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो सीरीज का दूसरा लेक्चर है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 20 लेक्चर्स के अंदर जो पूरा हरियाणा सिविल सर्विसेज का सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है एसएससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके तो सेम रहेगी फ्रेंड्स, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इसके अंदर कवर करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, अभी मैं क्या एक दिन के अंदर एक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा तो मैं आपके लिए एक दिन के अंदर दो लेक्चर भी लेकर आऊंगा। एक फिर आपको मॉर्निंग 10 बजे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, दूसरे शाम को 4 बजे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फिर मैं आपके साथ हरियाणा करंट अफेयर भी करवाऊँ और जो साथ में भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो करवा दूँ, अभी लास्ट 20 से 25 दिन बचे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आप लोग कितने कमेंट्स करके अपने डाउट पूछते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके कितने आप क्वेश्चंस को जो है आंसर करते हैं, कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियो को कितना शेयर कर रहे हैं कि हाँ यार सर ने बोला है वीडियो शेयर करनी है, तो वो हमें जो प्रोवाइड करा रहे हैं मटेरियल, हमें वो स्टडी करवा रहे हैं, हमारा बेनिफिट कर रहे हैं, तो हमें भी वीडियो शेयर करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प हमें भी करनी चाहिए। चलिए, हमने लास्ट कर लिया था, अब हम करेंगे मुगल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो है भवानी किंगडम तक कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जिनको मटेरियल चाहिए वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप वीडियो देख लीजिए, जो आपको चाहिए वो मुझे बता दीजिए। चलिए, मुगल एम्पायर से शुरू करते हैं, 1526 से 1707 तक। इसमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम अच्छे से डिस्कस इसके अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आया बाबर, 1526 से 1530 तक, 4 साल उन्होंने, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, हु इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, गन पाउडर इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? बाबर ने। वेरी इजी। डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 के अंदर। मैंने लास्ट टाइम पूछा था 1526 में क्या हुआ, वेरी क्लियर कि पहली पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अब कोई पूछ ले आपसे कि पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ पर हुई थी, तो यार कोई भी आंसर दे देगा कि पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत के अंदर ही हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो उसमें गन पाउडर इंट्रोड्यूस किसने किया? बाबर ने किया। नेक्स्ट, राणा सांगा, जिसको कि संग्राम सिंह बोलते हैं, बैटल ऑफ खानवा 1527 के अंदर। बहुत जरूरी है याद रखना कि बाबर के साथ और राणा सांगा के अंदर बैटल ऑफ खानवा हुई थी, इंपॉर्टेंट है 1527 के अंदर। क्वेश्चन क्या आएगा वहां पर, मैच द फॉलोइंग, वहां पर लिखा होगा बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। आपको बस डेट याद होनी चाहिए कि कब कब और किसके बीच हुई थी। नेक्स्ट है मेदिनी राय ऑफ चंदेली, तो बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था 1528 के अंदर, ये भी बाबर के साथ हुआ था। महमूद लोदी, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। तो आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। ही रोट तुजुक ए बाबरे इन तुर्किश लैंग्वेज, बाबर डिक्लेयर जिहाद ऑन अडोप्टेड द टाइटल गाजी। तो बाबर ने जो है गाजी टाइटल को अडॉप्ट किया था, उन्होंने एक तुजुक ए बाबरे लिखी थी, तो याद रखिए ये बाबर ने लिखी थी। डाइड इन 1530, 1530 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज बिल्ड एट आरमबाग आगरा के अंदर, लेकिन बाद में इनको कहाँ ले जाया गया, काबुल के अंदर, आरमबाग काबुल में ले जाया गया। चलिए, काबुल कहाँ पर है थोड़ा सा बताइए मुझे। नेक्स्ट इसमें है हुमायूं, अब बिल्ट दीन पना एट दिल्ली एज इज सेकंड कैपिटल। तो दीन पना किसकी कैपिटल थी? हुमायूं की, याद रखिए 1530 तक 1526, लेकिन आपको टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। शेरशाह सूरी ग्रेजुअली गेंड पावर, हु फॉट टू बैटल्स विद हुमायूं। तो बैटल देख लीजिए कौन कौन सी है, बैटल ऑफ चौसा 1539 के अंदर और बैटल ऑफ कनौज 1540 के अंदर। तो शेरशाह सूरी ने दो जो लड़ाइयाँ लड़ी थी हुमायूं के साथ, वो आपको पता होना चाहिए कि दो लड़ाइयाँ कौन कौन सी हैं। और आपको सर लड़ाई का बस ये याद रखना है कि टाइम पीरियड की ये लड़ाई कब हुई थी। पास्ट 15 ईयर इन एक्साइल अगेंस्ट इनवेडेड इंडियंस इन 1555 विद द हेल्प ऑफ हिज ऑफिसर बैराम खान, डाइड इन 1556 ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी। वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग से, मतलब स्टेयर से गिर गए थे, लाइब्रेरी से वो बैठे थे, तो जब नीचे आ रहे थे स्टेयर से गिर गए, तो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। गुलबदान बेगम हुमायूं हाफ सिस्टर रोट हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। आप ये मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन कमेंट में आप आंसर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मैं पूरे लेक्चर्स कवर कराऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर वो साइंस का रहेगा। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है हिंदी प्लस इंग्लिश वाले, ये यार इतनी ज़्यादा मतलब गड़बड़ चल रही है कि सर आप हिंदी में करवा रहे हो इंग्लिश में क्यों नहीं करवाते, इंग्लिश में करवा रहे सर आप हिंदी में क्यों नहीं कराते। यार 10th में सब ने हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते। ठीक है, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको ट्रांसलेट करके समझ नहीं सकते कि क्या चीज़ लिखा हुआ, बस इतना सा काम नहीं हो रहा। और बाकी वैसे सारी चीज़ें मैं ट्रांसलेट करके बता ही रहा हूँ, सिर्फ लेक्चर सुनने में यार आपका मतलब जोर लग रहा है। इंग्लिश वालों के लिए तो बिल्कुल इजी होगा कि ठीक है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी वाले सुन तो सकते हैं कि हाँ सर बता रहे हैं, हम सुन लेते, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन नहीं, उनको क्या चाहिए, हिंदी में लिखाओ, हिंदी में समझाओ। तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए,
हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर देने जा रहे हो, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो वहां पर आपको हिंदी का पेपर भी जरूरी है और इंग्लिश का पेपर भी जरूरी, दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो हिंदी की नॉलेज भी जरूरी है और इंग्लिश की नॉलेज भी जरूरी है। जो मेरे साथ एग्री है प्लीज कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम आपके साथ एग्री हैं और हम हिंदी वाले इंग्लिश के लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट तक तो हिंदी वाले छोड़ छोड़ के भाग चुके होते हैं। चलिए अकबर कॉरोनेटेड एट द यंग एज ऑफ 14 बाय बैराम खान, तो 14 साल की उम्र में राजगद्दी मिल गई थी। डिफीटेड हेमू, उन्होंने हेमू को हराया कौन से बैटल में, बैटल ऑफ पानीपत 1556। एचसीएस के लिए 3 बैटल्स इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच हुई, कौन सी बैटल में कौन जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के मतलब याद करके जाना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विद द हेल्प ऑफ बैराम खान कॉन्कर्ड मालवा, मालवा 1566 में इन्होंने जीत लिया, और बहादुर फॉलोड बाय, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने काफी कुछ जीता, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1576 के अंदर हुई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कश्मीर 1586 में इन्होंने अपने अंडर किया था, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस बैटल ऑफ हल्दी घाटी याद रखिए। बुलंद दरवाजा वाज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सिकरी आफ्टर गुजरात विक्ट्री इन 1572, बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया, किसने बनवाया और कहाँ पर बनवाया गया आपको पता होना चाहिए। मैरिड टू हरखाबाई डॉटर ऑफ राजपूत रूलर भरमल, तो अकबर ने हरकाबाई से क्यों मतलब कि शादी की, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत बनाते थे, शादी करके अपना जो है साम्राज्य एक्सपेंड कर लेते थे, जिससे लड़ाई करके जीत सकते थे, लड़ाई करके जीत जाते थे, जिससे प्यार से जीत सकते थे वो जीत जाते थे, तो अकबर इसलिए ही फेमस हुए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जहांगीर, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटेड द फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी, तो गुरु अर्जन देव जी को उन्होंने शहीद किया, शहीद करवाया। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट फेलियर वॉज लॉस ऑफ कंधार टू पर्सिया इन 1862, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, मैरिड मेहर उन निशा इन एडी 1611 एंड कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नूर जहां ऑन हर हेड चेन ऑफ जस्टिस आउटसाइड द पैलेस इन आगरा कॉल्ड जंजीरे अदिल, तो जंजीरे अदिल किसके टाइम पे और किसने इंट्रोड्यूस किया था, जहांगीर ने, और 1611 के अंदर, तो ये याद रखिए। कैप्टन हॉकिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड हिज कोर्ट, तो ये किसके कोर्ट में आए थे, जहांगीर के कोर्ट में, सीधे आपसे पूछा जाएगा इनमें से मतलब फॉलोइंग में से जहांगीर के कोर्ट में कौन कौन आया, कैप्टन हॉकिंस ऑप्शन में होगा, थॉमस रॉय ऑप्शन में होगा, और दो नाम और होंगे, फिर नीचे दिया होगा ए ओनली बी ओनली ए बी सी ओनली नन ऑफ द अबव, तो देख लीजिए याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस पेंटर इन हिज कोर्ट अब्दुल हसन उस्ताद मंसूर और बिशन दास, ये तीनों फेमस पेंटर हैं, याद रखिए कि जहांगीर के फेमस पेंटर कौन से थे, ये पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शाहजहां 1628 से 1658 तक, नेक्स्ट अहमदनगर वाइल बीजापुर एंड गोलकोंदा एक्सेप्टेड हिज ओवरलॉर्डशिप सिक्योर्ड कंधार इन 1639, तो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टू फ्रेंचमैन बर्नियर एंड टावर्नियर एंड एन इटालियन एडवेंचर मनुकी विजिटेड हिज कोर्ट, तो ये जो तीन बंदे आए थे, दो फ्रेंचमैन थे और एक इटालियन था, ये याद रखिए कि शाहजहां के कोर्ट में कौन कौन आया था, तो बस इतना पता होना चाहिए कि मनुकी ये इटालियन था। मैंने फ्रेंड्स लास्ट बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, एक रशियन आया था और दूसरा एक इटालियन आया था, तो फ्रेंड्स रशियन किसके पास आया था और इटालियन किसके पास आया था, उसका नाम क्या है, प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके करने का आपको इतना फायदा हो जाएगा, अगर आपको याद है तो आप जाते ही मतलब कमेंट कर देंगे, नहीं याद है तो आपने कहीं नोट डाउन किया होगा, वहां से आप पढ़ के कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर वो भी नहीं याद किया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इससे आपको क्या है बेनिफिट मिल जाएगा, याद हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। हम फेल क्यों होते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारी रिवीजन नहीं होती, हम याद नहीं करते, और मेरा काम आपको पढ़ाना भी है और रिवाइज करवाना भी है, लेकिन आप मेरी बातें माने तो सही, आपको सारा काम मैं ही करवा रहा हूँ, फिर भी आप करने को राजी नहीं है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर मैंने कमेंट किया है। बिल्ट मोती मस्जिद एंड ताजमहल एट आगरा, तो आपको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और मोती मस्जिद बनवाई है, जामा मस्जिद रेड फोर्ट दिल्ली, तो इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें बनवाई, पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें बनवाई हैं। हिज रेन इज कंसिडर्ड एट गोल्डन एज, तो उनको गोल्डन एज कहा जाता है ऑफ द मुगल एम्पायर, बिल्कुल ठीक है याद रखिए। नेक्स्ट है औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब बिकम विक्टोरियस आफ्टर द ब्रूटल वार ऑफ सुसेशन अमोंग हिज ब्रदर दारा शुजा एंड मुराद, तो इन्होंने तीनों में आपस में लड़ाई हुई और औरंगजेब जीत गए। रिबेलियस ड्यूरिंग द रूल जाट पेजेंट्री एट मथुरा, स्तनामी पेजेंट्री इन पंजाब एंड बुदेल्स इन बुंदेलखंड। नंच सिख गुरु गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड इन एडी 1675, तो गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे सिखों के, उनको इन्होंने शहीद करवाया था, उनका उनकी गर्दन कटवा दी थी इन्होंने। ही वॉज कॉल्ड दरवेश, तो उनको दरवेश कहा जाता है, जिंदा पीर भी इन्हीं को कहते हैं औरंगजेब को, तो जिंदा पीर कई बार पूछ लिया जा सकता है, तो देख लीजिए आपको याद रखना है। ही फॉरबिड सती, इंपॉर्टेंट रहेगा। ही बिल्ट बीवी का मकबरा, तो एक ताजमहल बनवाया था और एक बीवी का मकबरा, तो बीवी का मकबरा आप देखिए फोटो में, आपको हंसी आएगी कि उसने कॉपी तो ताजमहल को करने की कोशिश की थी लेकिन कॉपी कर नहीं पाया।
ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन रबा उद दुरानी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीवी का मकबरा किसने बनवाया और बीवी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया। तो ये याद रखिए, औरंगाबाद में बना हुआ है, मोती मस्जिद विद इन रेड फोर्ट दिल्ली एंड द जमा जामी और बादशाही मॉस्क एट लाहौर। तो ये इन्होंने बनवाया, याद रख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है सूर डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी वाज फरीद। सिंपल सा क्वेश्चन है, सूर डायनेस्टी को किसने फाउंड किया, फरीद जी ने। अफगान रूलर ऑफ बिहार बहर खान लुहानी गेव द टाइटल ऑफ शेर शाह टू फरीद। तो उन्होंने शेर शाह का टाइटल दिया, इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया एंड कॉपर कॉइन डैम। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर डायनेस्टी में ये जो है रुपया शेरशाह ने करवाया था और जो है डैम, तो ये दो चीज़ें उन्होंने करवाई थी। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी रुपया कब चला था सबसे पहले, सूर डायनेस्टी के अंदर शेरशाह ने चलवाया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्ट हिज टॉम्ब एट सासाराम, सासाराम कहाँ पे है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सासाराम, कुछ और भी इससे ज्योग्राफी का भी रिलेटेड है, तो किसी को पता है तो सासाराम के बारे में प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, लेकिन जब ज्योग्राफी करवाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बिल्ट ए न्यू सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर प्रेजेंट डे पुराना किला। तो ससाराम के बारे में जरूर थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स में से देख लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, और आपको इसमें से जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर लेटर मुगल्स में से क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसके बाद, क्योंकि लेटर मुगल्स में आने के बाद जो है मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन शुरू हो जाता है और फिर ब्रिटिश टाइम से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं बहादुर शाह वन, तो 1707 से 1712 तक ओरिजिनल नेम क्या था इनका, मुअज्जम। सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा बहादुर शाह का ओरिजिनल नेम क्या था और उनका टाइटल क्या था, शाह आलम वन। पूछेंगे तो ये पूछेंगे, नहीं तो फिर नहीं आएगा कुछ भी। जहांदर शाह ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, अबोलिश जजिया। तो उन्होंने जजिया को अबोलिश किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहांदर शाह। सीधा लिखा होगा इन द लेटर मुगल्स, फ्रॉम द गिवन लेटर मुगल्स हु अबोलिश टैक्स जजिया। तो आपको पता होना चाहिए जहांदर शाह, तो ये एक साल के लिए इन्होंने संभाली थी गद्दी। नेक्स्ट है फारूक सियार, इनके बारे में काफ़ी लंबी स्टोरी है तो इसलिए हमने नहीं दी, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड टुक अवे पिकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड। तो इनको मतलब डांस का बहुत शौक था, इनको नाचने गाने का बहुत शौक था, तो इनसे मतलब कि थ्रोन चला गया और कोहिनूर वहां से ले गए, नादिर शाह इनसे आके ये सारी चीजें ले गया। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली, जनरल ऑफ नादिर शाह, मार्च टुवार्ड दिल्ली एंड द मुगल्स सेडिड पंजाब एंड मुल्तान। तो अहमद शाह ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है आलमगीर, अहमद शाह ऑक्यूपाइड दिल्ली, लेटर दिल्ली वाज प्लंडर्ड बाय मराठास। उसके बाद मराठा आ गए। शाह आलम सेकंड कुड नॉट एंटर दिल्ली फॉर 12 ईयर। शाह आलम सेकंड जो है दिल्ली में 12 साल के लिए घुस ही नहीं पाए। तो ये मतलब पूरी हिस्ट्री है, आपको इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं अभी तो क्या है फ्रेंड्स, अभी जो आपका है क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स में ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ना है, वो हमने याद करना है। और वैसे फ्रेंड्स हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अब हम अहमद शाह अब्दाली के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगी। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरा मतलब 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, आपको काफ़ी फनी चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी आपको हंसने मतलब हंसने का होगा कि यार ऐसा भी मतलब वहाँ पर जो थे जो लेटर मुगल्स राज कर रहे थे वो मतलब कैसे कैसे थे, तो काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ें। लेकिन क्रैश कोर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा फालतू टॉपिक में हम बात नहीं करते। सो फ्रेंड्स प्लीज़ एडजस्ट, किसी को अगर प्रॉब्लम है कि आप सर पूरा नहीं बताते तो प्लीज़ बता दीजिए, फिर हम अलग से लेक्चर से भी शुरू करेंगे, वो फिर हिस्ट्री करवाते रहेंगे, वो आप पढ़ते रहना हम पढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट है अकबर सेकेंड, 1806 से 1837 तक पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पहले पेंशनर थे। बहादुर शाह सेकंड, लास्ट मुगल एम्परर हु वाज मेड प्रीमियर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। तो ये लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स किस किस को ये क्रैश कोर्स पसंद आ रहा है प्लीज मुझे बता दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, आपके लाइक्स डिपेंड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर कितनी जल्दी आना चाहिए, आपके शेयर्स डिपेंड करते हैं, आपने कितने शेयर किया मतलब हमें पता चल जाता है कि कितने व्यूज पे कितने लोग शेयर कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर्स बनाऊंगा, इससे मैं आप ही का बेनिफिट है। अगर जल्दी ये जो हमारे बेसिक जो है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी और ज्योग्राफी और साइंस अगर बेसिक जल्दी खत्म हो गया तो फिर हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम्स, हरियाणा करंट अफेयर, जो नेशनल करंट अफेयर जो और जो नेशनल स्कीम्स हैं और जो पॉलिसीज हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं जल्दी जल्दी आपको कवर करवा दूंगा। वो 10 से 12 लेक्चर फिर हम अलग से बनवा देंगे, अगर ये 20 लेक्चर हम 10 दिन में कवर कर पाए, तो 10 दिन में तभी कवर कर पाएंगे जब आप इसको शेयर करोगे और मुझसे डिमांड करोगे कि सर 1 दिन के अंदर 2 लेक्चर प्रोवाइड करवाइए, तो मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन आपका डिमांड तो होनी चाहिए। नेक्स्ट आए फ्रेंड्स मराठा, तो मराठास में जो इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन मराठा के बारे में किसी भी एग्जाम में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ना है कि शायद क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत ना हो। सबसे पहले आए शिवाजी, बॉर्न एट शिवनेर टू शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। तो ये इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हिज रिलीजियस टीचर वाज समर्थ रामदास एंड
गार्डन वास दादाजी कोनादेव, तो ये रामदास का नाम जरूर याद रखिए। ट्रीटी ऑफ पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, 1665 में, बिटवीन शिवाजी एंड मुगल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया भी हुआ क्वेश्चन। कॉरोनेशन एट रायगढ़ एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हिंदवा धर्माधारक, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, और इसमें जो 8 मिनिस्ट्रीज थी आप पढ़ लीजिए, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन कि जैसे अमात्या अकाउंट्स होता है, मजूमदार अकाउंट्स होता है, न्यायाधीश जस्टिस होता है, अभी आपको पता है न्यायाधीश तो आज भी यूज हो रहा है, पंडित राव चैरिटी होता है, मतलब ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आ भी सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हम जो मेडिवल में पढ़ रहे थे, जो मुगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये 8 हैं, पढ़ लीजिए, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो छोड़ सकते हैं। और ये जरूर रखिए सार ए नौबत मिलिट्री, चलिए फ्रेंड्स मिलिट्री, इससे पहले मुगल्स ने भी मिलिट्री का कुछ बनाया था, बताइए किसने बनाया था और क्या नाम रखा था उनके जो डिपार्टमेंट बनाए थे, एक अकाउंट्स का और एक मिलिट्री का डिपार्टमेंट बनाया था, तो वो किसने बनाया था और क्या नाम थे उसके, इससे आपकी रिविजन हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली रिविजन के लिए, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। पेशवा, तो देख सकते हैं आप लोग पेशवा, फाउंडेड बाय बालाजी विश्वनाथ हु कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विद द सैयद ब्रदर्स, तो सैयद ब्रदर को क्या कहते हैं, द किंग मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, बाय विच मुगल एम्परर फारूक सियार रिकॉग्नाइज शाहू एज द किंग ऑफ स्वराज्य। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी ये जो है पेशवा के बारे में अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको थोड़ा सा टच मिल जाता है कि हाँ ठीक है उसमें क्या हुआ था, पेशवा कैसे थे, उनकी कपड़ों के बारे में पता चल जाता है, थोड़ी सी आपको मतलब हिस्ट्री आपका टच में, आप हिस्ट्री के टच में पहुंच जाते हो कि ऐसे ये चीज़ें हुई होंगी, तो हिस्टोरिकल मूवीज जरूर देख लिया कीजिए। बाजीराव कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी, मराठा पावर रीच्ड इन द जेनिथ एंड सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी बिगन डिफीटेड सिद्दीज ऑफ जंजीरा कंक्वेस्ट ऑफ बिसेन एंड सलसते फ्रॉम पोर्टुगीज, तो ये सब चीज़ें उन्होंने जीत ली थी। बालाजी बाजीराव नोन एज नाना साहब, तो ये जरूर रखिए कि नाना साहब किनका नाम था, बालाजी बाजीराव का। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा सिविल सर्विस के लिए, बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली गेव ए बिग जोल टू मराठा एम्पायर, चलिए ये सारी चीज़ें पेशवा के बारे में इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। अब जो है विश्वा पेशवा और इनका टाइम ड्यूरेशन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिख गुरु, फ्रेंड्स हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर है या फिर जो पंजाब पीसीएस का पेपर हो, इनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एचसीएस के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एचसीएस जो है ये पहले हरियाणा पंजाब का ही पार्ट था, तो क्वेश्चन बन सकता है। देख लीजिए नानक गुरु नानक देव जी के बारे में बात की जा रही है, फाउंडेड सिख रिलीजन 1469 के अंदर उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने सिख रिलीजन की शुरुआत की थी, सिख धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है अंगद गुरु अंगद देव जी, तो उन्होंने गुरुमुखी की शुरुआत की थी, उन्होंने गुरुमुखी को इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड गुरुमुखी, याद रखिए वहां पर ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। थर्ड है अमरदास, दिस इज गुरु अमरदास, स्ट्रगल अगेंस्ट सती सिस्टम, तो आप मेंस के अंदर भी ये आंसर के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि कोई भी मतलब कि जो दूसरा स्टूडेंट उसको अमरदास के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अमरदास कोई सिखों का गुरु था जिन्होंने मतलब कि सती सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय जी ने उठाई थी, ब्रिटिशर ने आवाज उठाई थी, वो आप इनकलकेट कर रहे हो अपने आंसर के अंदर, वो सारी चीजें लिख रहे हो लेकिन अमरदास के बारे में नहीं लिखते, क्योंकि ज्यादातर हिस्टोरियन मतलब कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्ट्रगल अगेंस्ट सती सिस्टम एंड पर्दा सिस्टम एस्टेब्लिश्ड 22 गद्दियां टू प्रोपोगेट रिलीजन, और पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज उठाई, इससे पहले किसी ने पर्दा सिस्टम को हटाया था तो वो कौन थी, प्लीज उनका नाम बताइए। थर्ड फोर्थ है रामदास फाउंडेड अमृतसर, अमृतसर की नींव किसने रखी, रामदास जी ने, और किनसे रखवाई प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, रामदास जी ने नींव तो रख करवाई थी लेकिन किससे रखवाई थी। अकबर ग्रांटेड द लैंड, तो अकबर ने जो लैंड रामदास जी को दी थी अमृतसर बनाने के लिए। नेक्स्ट है गुरु अर्जन देव जी, फाउंडेड स्वर्ण मंदिर, उन्होंने गोल्डन टेम्पल की स्थापना की एंड कंपोज्ड आदि ग्रंथ, चलिए गुरु अर्जन देव जी को किसने शहीद किया, मैंने आज के लेक्चर में ही करवाया है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। हर गोबिंद एस्टैब्लिश्ड अकाल तख्त एंड फोर्टिफाइड अमृतसर, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर को बनवाया, फोर्टिफाई करवाया। हर राय जी, और नेक्स्ट है हर कृष्ण जी चाइल्ड गुरु, तो ये सिखों के सबसे छोटी उम्र के गुरु थे, चाइल्ड गुरु बोलते हैं इनको। तेग बहादुर जी, तो तेग बहादुर जी को किन्होंने शहीद करवाया था, प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट है गोबिंद सिंह जी, वॉज द लास्ट गुरु हु फाउंडेड द खालसा आफ्टर द सिख गुरुशिप एंडेड, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, चलिए खालसा पंथ की स्थापना कब की गई नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोग हरियाणा पंजाब से हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बाद, मॉडर्न इंडिया करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मॉडर्न इंडिया हम 2 दिन के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री है, उसके अंदर भी हम 2 दिन में एंशियंट हिस्ट्री सारी कवर करेंगे। तो 6 लेक्चर के अंदर हमारी पूरी जो हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आज मेडिवल का सारा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं साइंस के लेक्चर शुरू करूंगा। और आप बताइए कि साइंस के साथ कौन सा शुरू करना है, इकोनॉमी शुरू करूँ, ज्योग्राफी या पॉलिटी? क्योंकि फ्रेंड्स, एक लेक्चर तो साइंस का मिलेगा डेली आपको, और एक लेक्चर फिर साथ में कौन सा चाहिए वो बता दीजिए, तो मैं वो भी शुरू कर लूंगा। और आप कोई सुझाव देना चाहें, कोई विचार कि सर आप थोड़ा सा ऐसे चेंजेस कर दीजिए, मैं आपके लिए चेंजेस कर दूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, पढ़ाना मैंने है, पढ़ना आपने है, तो चेंजेस आप लोग मुझे बताइए। और प्लीज़ प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए, जो लोग शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने जो कीमती सुझाव बता दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।